Welcome all. In this video, our learning goal is centripetal force. Let's first of all talk about uniform circular motion. What is circular motion? A particle is following a circular path. वो एक सर्कल के अराउंड घूम रहा है, उसके सर्कमफेरेंस पर घूम रहा है, राइट? सो वी कॉल इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. नाउ व्हाइल डूइंग सो, एक तो चीज होगी ही, क्योंकि हर जगह पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग रहेगा. जैसे दिस पॉइंट वन, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज दिस. अगर मैं पॉइंट टू लेता हूँ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी दिस. एज यू कैन सी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज, लेकिन स्पीड कैन बी कॉन्स्टेंट इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म, राइट? देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यानी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा करते वक्त उसका स्पीड कॉन्स्टेंट है, देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वन इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर, कि कोई भी जगह पर आप पार्टिकल पकड़ लो, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा. जैसे दिस पॉइंट वन, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल. दूसरा पॉइंट ले लो, वहां पर भी टेंजेंशियल. यानी एक्चुअली यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया, टू पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आ गया. अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जैसे स्पीड इज यूनिफॉर्म, राइट, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल. ये सारी चीजें हमें ध्यान में आ गई, या आप बाद में भी ये चैप्टर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ कि सपोज पॉइंट, यहाँ पर वन पॉइंट पर पार्टिकल है. मैं थोड़ा सा कलर बदल के लिखूंगा ब्लैक फिर से. तो सपोज पार्टिकल वन पर है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट अगले ही पल वो थोड़ा अंदर आ रहा है एंड उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल के. दैट मीन्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तभी तो वो पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है और इट इज स्टेइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ पे रह रहा है. तो वो इनवर्ड आने वाला फोर्स कौन सा है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फोर्स विच इज सेंट्रीपेटल फोर्स. तो जैसे मैं बता रहा था कि ये पार्टिकल यहां से आगे जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो ऐसी है, लेकिन इट इज फॉलोइंग सर्कुलर पाथ. दैट मीन्स हर जगह पर उसे इनवर्ड एक फोर्स मिल रहा है. दैट फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल फोर्स. एंड फॉर्मूला फॉर दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, देन एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द, लेट्स से, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जिससे वो अराउंड घूम रहा है. अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स कर क्या रहा है, ये फोर्स ना पार्टिकल को छूटने नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ हर जगह पर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो ये फोर्स उसको सर्कुलर ट्रैक पे बना रहा है. तो ये वी ज़्यादा रहेगा तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. यू कैन सी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, राइट? और रेडियस कम रहेगा तो फोर्स और ज़्यादा रहेगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. लेकिन फॉर्मूला तो याद कर लो अब. Centripetal force F is equal to mv square by r for a particle performing uniform circular motion with velocity or speed v, right? And the radius of the track is r and mass of the body is m. Let's see how it comes into picture in various cases. Ek do cases yahan par karke dekhte hain. Suppose object is attached to a string, ye string hai, aur is string ko यहाँ पर पकड़कर, इस पर्टिकुलर सेंटर के पॉइंट पर पकड़कर हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, एंड इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट द कांस्टेंट स्पीड, लेट्स से. तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज वी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम. सो द सेंट्रीपेटल फोर्स, यू नो सेंट्रीपेटल फोर्स एक इनवर्ड फोर्स जो है, दैट मस्ट बी इक्वल टू नाउ एम वी स्क्वायर बाय आर, जो फॉर्मूला हमने सीख लिया. ये कैसे डिराइव होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब एक्चुअल चैप्टर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. अब यहाँ पर ये फोर्स किसने प्रोवाइड किया? ऑब्वियसली आप सोचिए कि ये जो स्ट्रिंग है, इस ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट पर इनवर्ड फोर्स डाल रही है. व्हाट इज दैट फोर्स? दैट इज टेंशन. तो हमें पता चलता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. अगर हम लोग एक स्ट्रिंग लेके
उसको एक मास m अटैच करके उस मास को v स्पीड से घुमा रहे हैं और r इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग. सो लेट्स सॉल्व दिस सिंपल क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg का एक मास है, इसको हम लोगों ने स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग है उसको अटैच किया और उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं एंड इट इज मूविंग विथ 3 meter per second. तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो सिंपली हमने अभी अभी देखा था टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. आर को हमें यहाँ पर आर यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 50 सेंटीमीटर है. 50 सेंटीमीटर इज 0.5 meter. आई होप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. 100 से डिवाइड होता है जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो. तो वैल्यूज लिखेंगे मास इज 2 kg इंटू वेलोसिटी 3 meter per second का होल स्क्वायर अपॉन आर इज 0.5 meter. सो इट इज 2 × 3 square 9 अपॉन 0.5 इज हाफ kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर. 1 meter गेट्स कैंसल्ड और यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 × 9 36. अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट न्यूटन. तो ऑब्वियसली यहाँ पर 36 न्यूटन का टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज हाउ इट इज वर्किंग. आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा. लेट्स टेक वन मोर केस. सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ. तो सपोज ये मास m का अर्थ है बीच में और उसके अराउंड एक अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर, सरफेस से नहीं सेंटर से, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर देयर इज अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में v से चल रहा है. नाउ व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा है. एम मास वी वेलोसिटी से आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. अब मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है बिकॉज देयर इज इनवर्ट फोर्स राइट ना. इस मास को अंदर की तरफ खींचने वाला, सेंटर की तरफ खींचने वाला एक फोर्स है. वो फोर्स कौन होगा? ऑब्वियसली इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स यार, क्योंकि ये अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही, वही तो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो फिर वी गेट जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है. तो ऑब्वियसली एज यू कैन सी एम कैन गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 1 r कैंसल्ड और हमें यहाँ पर जी कैपिटल एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर मिलता है. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग फार्मूला जो आगे चल के हम और भी फॉलो करेंगे. दिस फार्मूला इज इफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग और द सैटेलाइट इज मूविंग इन द सर्क्यूलर ऑर्बिट राइट. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. अ सैटेलाइट एट एन altitude of 600 km from Earth's surface is orbiting in circular orbit. If mass of the Earth is 6 × 10⁴ kg and radius of Earth is 6400 km, find the speed of the satellite. Okay, तो हमने अभी अभी formula निकाला. V square is equal to gm upon r. V square is equal to capital G capital M upon r. ये Earth, right? ये already उसका distance प्लस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं. तो ये होगा, ये दिया गया है 6400 किलोमीटर और ये ऑर्बिट 600. सो 600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर लेकिन अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर. सो टोटल आर जो रहेगा, आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर प्लस 600 किलोमीटर which is obviously 7000 kilometers. समझ में आ रहा है आपको ये 7000 kilometers कैसे आया? अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस हमने निकाला 7000 kilometers which is 7000 × 10�³ meters. यानी फिर से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो that is 7 × 10⁶ meters हो गया ये राइट. बाकी जी मालूम है आपको और एम मालूम है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी इज इक्वल टू 6.6
67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, राइट। सो वी विल यूज ऑल दिस वैल्यूज एंड पुट इट। सो देखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी का वैल्यू जो बताया अभी अभी मैंने 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 व्हाट इज द यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का वैल्यू हो गया इंटू मास, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी अपॉन रेडियस, व्हाट इज रेडियस 7 इंटू 10 टू द पावर 6, 7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स और उसका स्क्वायर वगैरह है क्या? नहीं, फॉर्मूला में जी एम बाय आर ही है बस। सो दिस इज इट, लेट्स कैलकुलेट। सो इट इज 6.67 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 24, सो पूरे एक साथ ही ले लेते हैं, प्लस 24 माइनस 6 एंड द यूनिट एक मीटर यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक केजी कैंसिल हो गया, तो इट इज न्यूटन मीटर पर केजी, और न्यूटन को भी कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो मीटर पर केजी एज इट इज रहेगा सपोज, और न्यूटन हमें मालूम है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ हमें कैलकुलेट करना है 6.67 इंटू 6 अपॉन 7 की वैल्यू, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाती है 5.7 समथिंग इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर बचेगा 24 माइनस 17 इज 7 मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी का स्क्वायर, विच इज एक्चुअली 57 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो अब व्हाट इज रूट 57? रूट 57 नियरली 7.5 के करीब आएगा, राइट। सो 7.5 के करीब आता है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट का स्पीड। तो ऑब्वियसली हमने वी स्क्वायर का वैल्यू निकाला और फिर उसका स्क्वायर रूट किया। तो इन पूरे कैलकुलेशंस में ना आप डर मत जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चैप्टर एक्चुअल शुरू होंगे और जैसे हम लोग इन कैलकुलेशंस में आगे बढ़ेंगे तो आई विल ईज यू इन टू इट, धीरे धीरे ये बताते जाऊँगा, बट अभी से ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है। सो दिस इज हाउ सेंट्रिपेटल फोर्स टेल्स अस कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उससे हम लोग अलग अलग चीज़ों का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।